हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सब लोगों के सामने है। यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि भैया आप लोगों के हाथ में कब अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला है और आप लोगों का जो पैनल है वो कब जारी हो जाएगा। यहाँ पे सारी की सारी डेट है और मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक जो प्रोसेस हो रहा है वो लगभग इसी लेटर के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही है। इसीलिए आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले आप स्क्रॉल करके देखिए, एक वीडियो दी गई होगी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ग्रुप डी वालों की जो ज्वाइनिंग है वो मार्च अप्रैल में हो जाएंगी। और इस लेटर में भी अगर आप देखोगे तो वही बात बताई गई है कि आप लोगों को जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलने हैं वो आप लोगों को 2 डेट्स में मिल जाएंगे। और उसमें भी पॉसिबिलिटी पूरी पूरी ये है कि जैसे रोजगार मेले लग रहे हैं ना, इसमें आप लोगों को बल्क में एक साथ ऐसे नहीं आएंगे कि आप लोगों के घर पे ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है तो उस तरह की चीजें ना होके आप लोगों को बहुत अच्छे से वहां पे खाने पीने का भी इंतजाम रहता है। बहुत अच्छे से आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और वो भी बल्क में। अब उसमें 2 डेट्स इन्होंने रखी है, एक है 31 मार्च, उसमें आप लोगों को 33,000 लड़कों को, जो 33,000 लड़के हैं, 33,000 कुछ लड़के हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आप लोगों को, उन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। उसके बाद इन्होंने 15 अप्रैल डेट रखी है, उस डेट को 70,000 के करीब लड़कों को उसके अंदर लाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अब बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। आप लोगों से पहले ही बताया गया था कि प्रोसेस जितना भी चलेगा वो बहुत ज्यादा तेजी से चलेगा, आप लोगों के पास प्रिपरेशन वगैरह का भी टाइम नहीं रहेगा। जबकि ये भी श्योर है, इस चीज को भी आप मान लीजिए, ये भी श्योर है कि आप लोगों की जो वैकेंसी है ALP टेक्नीशियन की, वो वैकेंसी भी आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगी, क्योंकि उस पर भी चर्चा स्टार्ट हो चुकी है और वो वैकेंसी भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। तो गाइस, अगर यहां पे मैं बात करूं तो यहां पे आपकी हर RRB के बारे में बताया गया। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं, देखो जो 33,000 वाली बात हो रही है ना, वो यहां पे हो रही है। देखिए, मैं एक मिनट एक बार आपको दिखा देता हूं, ये यहां पे देखिए, इसे अगर मैं जूम करूं और यहां पे लेके आऊं तो देखिए यहां पे दिख रहा होगा आपको कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स की अगर बात करें तो यहां पे दिखाया गया है, ये देखिए 31 मार्च 2023 तक अगर बात करें तो ये 33,000 लोगों को लेंगे, और उसके बाद 15 अप्रैल तक बात करें तो ये 70,179 लोगों को लेंगे। ओवरऑल 103,769 लड़कों को ये अपॉइंटमेंट लेटर्स देने की बात कर रहे हैं। भले इसमें कुछ लोग अनुपस्थित होंगे वो बात अलग है, लेकिन जिस चीज के बारे में मैं आप लोगों से बताना चाह रहा हूं वो यही है कि आप लोगों के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो 31 मार्च और 15 अप्रैल के बारे में इस लेटर में बात हुई है। अब अगर बात करें तो किस किस का कहां कहां प्रोसेस है, कैसे होना है, तो यहां पे अगर आप एक बार देखेंगे तो देखिए इस लेटर में सबसे पहले तो मेडिकल के बारे में बताया गया है। यहां पे देख सकते हैं ये वाला जो लेटर है, इसमें मेडिकल के बारे में बताया गया है और इन्फॉर्म किया जा रहा है कि भैया ये है, आप लोग देख रहे होंगे, साउथ ईस्टर्न रेलवे का SER का है। ये SER वाले बता रहे हैं कि भैया एलोकेशन फॉर द डूइंग मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर इम्पैनलमेंट। आपने देखा ही होगा इम्पैनलमेंट कि जैसे कि इज्जतनगर डिवीजन का आया था, पूरी तैयारियां हो गई हैं और उसमें भी यही चीजें लिखी हुई थी, आप इससे मैच कराओगे तो लगभग चीजें सही दिखती हुई नजर आएंगी। उन्होंने भी यही कहा था कि हम लोग अपने उसकी तैयारी कर ली जाए आप लोगों के मेडिकल की। तो यहां पे जो मेडिकल स्टार्ट होने वाला है, 4,914 कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा, जो मेडिकल होगा 15 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। ये मेडिकल का लेटर है और अगर इस लेटर को इसके साथ मैच करा रहे हैं, यहां पे SER देखो 4,914 लड़के और फिर 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक यहां पे वही बात बताई गई है। तो लगभग इस लेटर से सारी की सारी चीजें मैच हो रही हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस लेटर के साथ इन्होंने सारी की सारी जोन का जो डेटा है वो अटैच कर दिया है और इन्होंने बताया है कि किसका PET कितने दिन चला है और किसका कितने कितने कैंडिडेट्स को PET के लिए बुलाया गया है, किसका DV कितने दिन चलने वाला है और किसको कब ज्वाइनिंग होने वाली है, किसका पैनल कब आएगा। यहां पे अगर देखें तो आप देखिए पूरी की पूरी यहां पे डिटेल्स दी गई है बहुत ज्यादा अच्छे से। अब आपको दिखाता हूं मैं, यहां से थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं हम लोग, यहां से हमने किया इसको छोटा, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, साफ तो दिख ही रहा होगा या नहीं दिख रहा है, ये देख लीजिए यहां पे बताया है इन्होंने। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो NR वाले हैं वो, या ECR की बात, SER की बात कर लेते हैं, जो हाँ जिनका नोटिस आया है। SER वालों का अगर आप देखेंगे तो यहां पे देखिए SER वालों का, ये देख रहे हो 4,914 लोग हैं,
शॉर्ट लिस्टिंग फॉर पैट 31 दिसंबर को सबका रिजल्ट लगभग जारी होने की बात कही थी कि 31 दिसंबर से पहले पहले हम लोग कर देंगे और वो सारी चीजें देखने को दी। पैट इन्होंने कहा था 15 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो सबके वही 15 जनवरी 12 जनवरी के आसपास से आप लोगों के पैट भी स्टार्ट हुए ही। ये डेडलाइन वाली डेट्स हैं, ये डेडलाइन वाली डेट है, इससे पहले ही चीजें होना स्टार्ट हो गई। अब बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए गए थे, इन्होंने डायरेक्ट तीन गुना कैंडिडेट्स यहाँ पे किए हुए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट 4000 पर डे, इसलिए यहाँ पे इनका 4 दिन के अंदर पीईटी करवा दिया। अगर बात करें टारगेट डेट्स ऑफ कंपटीशन ऑफ पीईटी, यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टारगेट डेट रखी गई थी यहाँ पे कि 22 जनवरी तक हम लोग कर देंगे, तो वो ये लोग कर ही चुके होंगे। अब यहाँ पे अगर बात करें तो रिजल्ट ऑफ पीईटी एंड शॉर्टलिस्टिंग डीवी एंड मेडिकल, यहाँ पे इन्होंने बताया है 1 फरवरी 2023, और डीवी एंड मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा 15 फरवरी से, जो उस लेटर में भी बताया गया है, और कंप्लीट हो जाएगा 28 फरवरी को, और उसके बाद जो कॉल लेटर इश्यूज हो जाएंगे, इंपैनलमेंट हो जाएगा इन लोगों का, हो जाएगा 15 मार्च 2023 तक, ठीक है। और अपॉइंटमेंट के जो ऑर्डर हैं वो यहां पे इनके बोला गया है 31 मार्च 2023 को, जबकि अगर बात कर ले इनकी तो यहां पे देखिए ये जो है यहां पे ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करें तो इनकी जो चीजें हैं वो थोड़ी पीछे हैं सारी। देखो यहां 22 जनवरी तक हो रहा है, 31 जनवरी तक हो रहा है, यहां पे 1 फरवरी तक था, तो रिजल्ट एंड डीवी इनका 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद अगर बात करें तो 15 मार्च तक इनका यही काम चल रहा है, कंप्लीट हो रहा है डीवी और मेडिकल। उसके बाद इनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर है 15 अप्रैल के, और देखो एनईआर के भी ऐसे ही होने चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लेट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात करें एनआर की तो यहाँ पे एनआर वालों का देखिए 15 अप्रैल को ही दिया गया है क्योंकि ये भी लेट चल रहे हैं, तो जिन्होंने फास्ट प्रोसेस किया है उनका जल्दी से हो रहा है काम, और जिन्होंने लेट किया है उन लोगों का लेट से हो रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कितने ज्यादा सही चीज होने वाली है। अब आप लोगों को करना क्या है, तो एक डॉक्यूमेंट वाली वीडियो आप लोगों को अभी प्रोवाइड करा देंगे कि डॉक्यूमेंट आप लोगों को कौन कौन से तैयार करने हैं, और ओबीसी का फॉर्मेट, देखो रेलवे उनमें के चक्कर में नहीं पड़ना, कभी आप सोचो कि रेलवे के फॉर्मेट पे ही बनवाऊंगा। यूपी में जो सर्टिफिकेट आपकी गवर्नमेंट डिजिटल वाला बना के दे रही है, जो आप जाते हैं और आपको जो डिजिटल हस्ताक्षर वाला मिलता है वो सर्वमान्य है, सब जगह चलता है वो, हमने हर जगह वही लगाया है, रेलवे हो चाहे कहीं भी हो। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि भैया रेलवे का ही बनवा के लाना है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आप लोग अपने सारे के सारे देख सकते हो, आपका जो भी जोन है आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपकी ज्वाइनिंग कब होने वाली है। देखिए एनईआर वालों की अगर बात करें तो ये भी लेट ही चल रहे होंगे, इनका अगर बात करें तो इनकी 31 मार्च की बात हुई है, जबकि एनआर वालों की 15 अप्रैल की बात हुई है, तो इनके कैम कैंडिडेट्स हैं, क्या पता ये कितनी जल्दी ये चीजों को निपटा लें। तो गाइज ये सारा का सारा डेटा है, इस लेटर को मैं आप लोगों को पीडीएफ इसकी सेंड कर दे रहा हूं ग्रुप में, आप लोग देख लीजिएगा। और उससे इंपॉर्टेंट ये है, यहां पे उन्होंने बताया है कि 31 मार्च को हम लोग जो देने वाले हैं वो 33,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर्स प्रोवाइड कराएंगे, 33 को तो हो ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत लड़के अनुपस्थित भी हैं, और उसके बाद इन्होंने टारगेट रखा है 70,000 को हम 15 अप्रैल को दे देंगे। तो गाइस ये बहुत ही ज्यादा गुड न्यूज आप सब लोगों के लिए है। इसके अलावा अभी आप लोगों के पास टाइम है तो मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि भैया आप चाहे जहां से मन करे, यहां से जरूरी नहीं है कि भैया यहां आए हो रहे हो, जहां से आपका मन करे, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी हो गई है लगभग लगभग श्योर वो आनी ही है, तो आप लोग अपनी फाउंडेशन तैयार करके ही ज्वाइन करो, 2-3 महीने है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लो, जिस टाइम पे डॉक्यूमेंट्स के लिए बुलाया जाए उस टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओ, और उसके भरोसे मत बैठे रहो हमेशा कि मेरा तो ज्वाइनिंग लेटर आएगा अब तो मैं कुछ करता ही नहीं। अगर आप इस इंजॉय करिए, इंजॉय करने का टाइम है, आप 2-3 दिन बाहर घूमना है घूम के आइए, 4 दिन घूम के आइए, 5 दिन, लेकिन अपने टाइम को ज्यादा बर्बाद ना करके इंतजार में, जो हम लोगों ने भी किया था, इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि आप अपने टाइम को बर्बाद ना करते हुए कुछ अच्छे कामों में यूटिलाइज करिए। आपका अगर मैथ्स वीक है आप उस मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में ये 2-3 महीने लगाइए, अगर आपकी साइंस वीक है आप साइंस को करिए, आपका जो पोर्शन वीक है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। जिनके पास आईटीआई डिप्लोमा बीटेक है उन लोगों के लिए बेस्ट और गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी जो आगे आप लोगों के लिए आने वाली है, अदरवाइज इस अपॉर्चुनिटी को आप खो देंगे। बाकी अपने साथ में चीजें चल रहे हैं और ये मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोगों को ट्रेड की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों की ट्रेड की टेंशन बिल्कुल खत्म कर दी है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। और जिस बच्चे के दिमाग से ट्रेड की टेंशन खत्म होगी उस बच्चे के CBT 1 में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और CBT 2 में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। अब बात करेंगे ये कैसे होगी, तो ये एप्लीकेशन पे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, हो सकता है कल मैं आप लोगों को वीडियो दे दूं,
या परसों आप लोगों को वीडियो मिल जाए, क्योंकि इसकी जो टेंशन है वो आप लोगों को विद प्रूफ में खत्म कर दूंगा। तो गाइज ये आप लोगों की सारी चीजें हैं, तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, बस अपने टाइम को बर्बाद ना करना और बहुत अच्छे से तैयारी करिए। टेक केयर।